नमस्कार दोस्तों, गो ट्रैकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इस समय गुलमर्ग में। आज के वीडियो में मैं चार मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा। पहला प्लान कि अगर आप गुलमर्ग आते हैं तो इसका यात्रा रूट क्या होगा। दूसरा पॉइंट कि यात्रा प्लान कैसे करना है, आप कश्मीर आते हैं गुलमर्ग स्पेशली आते हैं तो। तीसरी चीज़ कि आपको मस्ट विजिट प्लेसेस क्या है अगर गुलमर्ग आते हैं, कि आसपास ऐसी कौन सी जगह है जिनको आप विजिट कर सकते हैं। और फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टाइमिंग क्या रखनी है आपको इन प्लेसेस को विजिट करने की, और यहाँ पर रेट्स क्या क्या हैं सब जगहों के, और घोड़े खच्चर के हर चीज़ की डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो अगर आप यहाँ गुलमर्ग आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको श्रीनगर पहुँचना होगा। श्रीनगर से डायरेक्ट रूट गया हुआ है जो कि तंगमर्ग होते हुए गुलमर्ग आता है। तो गुलमर्ग आप पहुंचेंगे, यहाँ पर प्राइवेट होटल्स भी हैं, लेकिन JKTDC की जो हट्स हैं जो हम लोगों ने ली हैं बहुत खूबसूरत हैं। और यहाँ 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK ये हट्स हैं यहाँ पे, और प्राइम लोकेशंस में हैं। मतलब आपके जो प्राइवेट होटल्स हैं वो पीछे ही रह जाएंगे मार्केट में, लेकिन जो JKTDC के हट्स हैं वो आगे एकदम शांत जगह में पहाड़ी में ये आपको हट्स मिलेंगे। और वहाँ से जो आसपास का नज़ारा आता है ना वो बहुत खूबसूरत आता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आप आ रहे हैं तो JKTDC की जो हट्स है उसको ऑनलाइन बुक करा कर आइए। दूसरी बात करते हैं कि आपको यात्रा प्लान कैसे करना है। देखिए, श्रीनगर से आपको मॉर्निंग में निकलना है या शाम से पहले निकलना है। रात में यहाँ आने की कभी गलती मत करना, क्योंकि रात में बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को लेट नाइट हो गया था, 11 बज गए थे, तो एक भी गाड़ी सिंगल गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी यहाँ। और रात में पहाड़ी रास्ते वैसे भी ख़तरनाक हो जाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए कि जल्दी आइए। आप हट में रुकिए, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करिए, गंडोला राइड के लिए निकल जाइए। गंडोला राइड का टिकट 15 दिन पहले ही बुक करा कर रखिए। यहाँ पर दलाल रहते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपसे पैसे लूटेंगे। ऑनलाइन टिकट से ही काम चलेगा, वो उसको बुक करा के रखिए। फेज़ 1 और फेज़ 2 में आप जा सकते हैं। अगर आप फेज़ 2 का अगर आपके पास टिकट नहीं है और या फेज़ 1 का भी नहीं है, तो यहाँ पर घोड़े खच्चर आपको मिल जाएंगे जिनका रेट 1500 से लेकर 1800 या 2000 रुपये तक लेते हैं। कोशिश करिएगा तो 1500 में भी राजी हो जाएंगे। तो ये आपको फेज़ 1 तक ले जाएंगे, करीब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे आप लोग यहाँ। फेज़ 1 में जब आप पहुँचेंगे तो आप फेज़ 1 में कोंगडोरी जगह है, आपको पता ही है, कोंगडोरी में आप खूब इंजॉय करेंगे। उसके बाद घोड़े खच्चर वाले एक जगह है खिल्लनमर्ग, जो कि फेज़ 2 के बीच में पड़ता है। फेज़ 2 तक आपको कोई घोड़े वाला नहीं ले जाएगा, खिल्लनमर्ग में आपको घोड़े वाले ले जाएंगे। वहाँ तक आप जाइए, वहाँ भी आपको स्नो मिलेगी, वहाँ भी स्केटिंग और स्कीइंग ये सब होता रहता है। तो वो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि फेज़ 1 में कुछ ऐसा खास नहीं है। फेज़ 1 में सिर्फ मीडोज़ आपको जैसे अभी दिख रहे हैं ना, ऐसे ही फेज़ 1 में मीडोज़ दिखेंगे। लेकिन खिल्लनमर्ग जाएंगे या फेज़ 2 जाएंगे तो वहाँ आपको स्नो देखने को मिलेगी, और वहाँ पर नज़ारे ही चेंज हो जाते हैं पूरे तरीके से स्नो का होना। और वहाँ पर हम लोग इंजॉय करते हैं, और वहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। तो वहाँ पे आप ज़रूर से ज़रूर जाइए। उस जगह का नाम है खिल्लनमर्ग। फेज़ 1 का नाम है कोंगडोरी, उसके बीच उसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो खिल्लनमर्ग, और उसके जो टॉप पीक है वो अपहर्वत पीक है। तो ये सब प्लान बना के आइए, और कोशिश करिए कि 8 बजे तक आप लाइन में लग जाएं, क्योंकि लाइन इतनी लंबी होती है कि आपको कम से कम 2 घंटे वेट करना पड़ेगा वहाँ पर। जितनी जल्दी लग जाएंगे उतनी जल्दी आप ऊपर पहुंच जाएंगे, और उतनी ही जल्दी वहां पे जब लौटेंगे तो वहां भी लाइन लगती है, तो उतनी जल्दी आपको वापस भी आना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलने की कोशिश करिए। JKTDC हट से जो गंडोला राइड है वहां तक आपको कोई भी टैक्सी वैक्सी नहीं करनी है, हार्डली 100 या 200 मीटर दूरी पर है, आप टहलते हुए भी वहां तक पहुँच सकते हैं। तो ये कुछ हो गया हमारा यात्रा प्लान। और हाँ, जब आप गंडोला राइड करके आएंगे फर्स्ट और सेकेंड फेज, तो आप शाम को या दोपहर हो जाएगी 4 या 5 बजे का, तो आप थक जाएंगे, तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे घूमने के। तो आप लोकल साइट सीइंग करिए, जैसे यहाँ पर एक महारानी टेम्पल है उसको घूमिए। ये सब आप पैदल चल के भी कर सकते हैं, आपको कोई साधन वगैरह कुछ नहीं लेना, क्योंकि पास में ही है। और अगर इनकेस आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप घोड़े खच्चर यहाँ चलते रहते हैं, आप उनको ले सकते हैं। हर जगह आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे, कहीं आपको जाना नहीं किसी पॉइंट तक, गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी हर जगह। तो ये आप कर सकते हैं कि महाराजा पैलेस एक यहाँ पर है, और महारानी टेम्पल हो गया, शिव जी का टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है, तो ये करिए। और मेरे पीछे जो आप वो देख रहे हैं ना पीक, स्नो वाली पीक, ये अपहर्वत पीक है, यहीं फेज़ 2 में ले जाते हैं ऊपर, और बीच में कहीं फेज़ 1 है जहाँ पर मीडोज़ हैं, ऐसे ग्रीन मीडोज़ हैं। तो आपका एक दिन इसी में आराम से पार हो जाएगा। नेक्स्ट डे क्या करिए आप, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप 8 या 9 बजे बूटा पथरी के लिए निकलिए।
बूटा पथरी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, उसके लिए क्या करते हैं टैक्सी वाले 2500 से लेके 3000 रुपए बताते, तो ज़्यादा है 5000 तक भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ का मैंने सब कुछ पता किया वो कम से कम वाला रेट बता रहा हूँ जिसमें मान जाते हैं टैक्सी वाले, 2500 में या 3000 रुपए तक में मान जाएंगे, दोनों ही रेट ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे तो फिर आपका टाइम ख़राब होगा और फिर चार जगह आपको पता करना पड़ेगा, 3000 तक भी कहता तो मान जाइए। उसके बाद वहाँ से आप, अगर आपके पास ग्रुप है बड़ा 6 या 7 लोगों का, तो एक बड़ी गाड़ी रहती है उसमें सब लोग आ जाएंगे, यहाँ से आप जाइए बूटा पथरी, टैक्सी वाला ही यहाँ से परमिट निकलवाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि बूटा पथरी जाने के लिए आर्मी का और पुलिस का परमिट लगता है, वो निकलवा देगा। बूटा पथरी आप जाइए नेक्स्ट मॉर्निंग और वहाँ पर आप इंजॉय करिए, वहाँ पर शाहरुख खान की मूवी आई थी जब तक है जान, वहाँ पर जो ब्रिज है उसके नीचे जो बॉम्ब लगाने वाला सीन है उसकी शूटिंग हुई है, तो उसको आप जाके वहाँ पर देखिए, इंजॉय करिए, फिर उसमें करीब पूरे इन सब चीज़ों में 3 घंटे का टाइम लग जाएगा आपको। वहाँ से अगर 11-12 बजे भी आप वापस आएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे जो लोकल साइट सींग है जैसे तंगमर्ग में ड्रंग वाटरफॉल है वहाँ जा सकते हैं, आसपास की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, बस गुलमर्ग में बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पर अगर आप 2 से 3 दिन भी देते हैं तो आपको कम लगेगा, तो ये आप कर सकते हैं, 2 दिन बहुत सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है यहाँ के लिए, तो ये करिए। उसके बाद आपको सोनमर्ग जाना या पहलगाम जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर श्रीनगर जाना वो आपको करिए। तो ये हमारा यात्रा प्लान हो गया कि हमें यात्रा प्लान कैसे करनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ के रेट्स की, देखिए घोड़े खच्चर वाले आपको मैंने बताया, अगर आप फेज़ 1 या फेज़ 2 तक जाते हैं, फेज़ 2 तक तो जाता ही नहीं, फेज़ 1 तक आपको 1800 से 2000 रुपए ले लेंगे आराम से, तो एक ही हो गया। अगर आप लोकल घूमते हैं, मान लीजिए महारानी टेम्पल तक या लोकल मार्केट घूमते हैं, घोड़ा खच्चर करते हैं, तो कोई मानिए 700-800 रुपए चार्ज करेंगे लोग, तो ये कुछ चार्जेस हैं। और यहाँ पर होटल्स थोड़े से महंगे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप JKTDC वाले जो होटल्स हैं उनको ऑनलाइन बुक करके आइए, आपको प्राइवेट होटल्स से ज़्यादा अच्छे खूबसूरत होटल्स मिलेंगे JKTDC में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ इस तरीके से आप गुलमर्ग का प्लान कर सकते हैं श्रीनगर से। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।